हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बेहद स्वादिष्ट आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। साथ ही मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका आम का अचार बेहद स्वादिष्ट बनेगा और सालों साल खराब नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आम का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। का अचार बनाने के लिए ये 1 किलो कच्चे आम हैं जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 50 ग्राम राई की दाल, 50 ग्राम सरसों की दाल, 50 ग्राम सौंफ, 1 टेबल स्पून हमने मेथी दाना ले लिया है और 1 टीस्पून हमने कलौंजी ले ली है, हींग, 125 ग्राम नमक ले लिया है, 25 ग्राम हल्दी पाउडर, 75 ग्राम हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 कोयले का टुकड़ा लिया है और करीब 600 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है। अब अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल को गर्म करने रखेंगे। अच्छा धुआंधार गर्म करना। ये देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें से धुएं निकल रहे हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी तेल थोड़ा ठंडा हो गया है पर अभी भी कुनकुना गर्म है। हम इसमें सौंफ डालकर देख लेते हैं। ये सौंफ एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, मतलब अब इसका टेम्परेचर ठीक है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हम बीच में मेथी दाना लेंगे, इसके आसपास हम ये कलौंजी डालेंगे, अब इसके आसपास हम सौंफ डालेंगे, अब इसके आसपास हम ये सरसों डाल रहे हैं। फिर हम राई दाल डालेंगे, इसके आसपास हम ये हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप 50 ग्राम्स डालिए, ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप 100 ग्राम्स तक इसमें डाल सकते हैं। और आखिरी में अब हम नमक डालेंगे। बीच में हम हींग डालेंगे, ये करीब 1.5 टीस्पून में इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग आपकी कितनी तेज है उस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हल्का गरम तेल है, अब इसमें हम ये सेंटर में डालेंगे। बहुत गरम नहीं है, हल्का गरम है ताकि हमारे मसाले जले ना और हल्के गरम में सिक भी जाएं अच्छे से। अब इन्हें हम धीरे धीरे साइड से मिक्स करते जाएंगे ताकि मसाले थोड़े सिक जाएं, उसके बाद इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिले तो वो जले नहीं और अचार का कलर बहुत अच्छा आए। इसलिए हमने इसे इसको लेयर्स में लगाया था ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुना जाए। तेल में मसाला मिक्स हो रहा है, उससे उसका टेम्परेचर भी और थोड़ा लो हो जा रहा है। तो अब हमारी हल्दी और हम लाल मिर्च भी इसमें मिक्स करेंगे तो उसका कलर बिगड़ेगा नहीं और बहुत ही अच्छा कलर आएगा अचार का। अगर आपकी मिर्ची अच्छे कलर की नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, उससे आपके अचार का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ रहा है, हमारी अचार भी बहुत अच्छे कलर की बनेगी। अभी ऑयल थोड़ा और ठंडा हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए हमारा मसाला रेडी है एकदम। करीब 200-250 ml इसमें ऑयल डल गया है। अब इस मसाले में ये हम जो केरी के पीसेस कर रखे हैं ये मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सारे पीसेस मसाले से कोटेड हो जाना चाहिए। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और सालों साल खराब नहीं होता है।
खाने में अगर सब्जी आपको थोड़ी कम ज़्यादा पसंद आ रही है और साथ में अगर स्वादिष्ट अचार मिल जाता है तो आप आराम से खाना बहुत अच्छे से खा पाते हैं। देखिए अचार का कलर कितना परफेक्ट आया है। ये हमने अचार मिक्स कर ली है, सारे आम के पीसेस पर, केरी के पीसेस पर मसाला अच्छे से चढ़ गया है। अब हम जार को तैयार करते हैं, जिस जार में हमें अचार को फिल करना है इसे हम रेडी करेंगे ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। इसके लिए हम इस कोयले को थोड़ा सा जलने रखेंगे। ये कोयला हमने थोड़ा सा जला लिया है। अब इसके ऊपर हम हींग डालेंगे थोड़ी। अब इसके ऊपर ही हम जार को उल्टा कर देंगे और हींग की स्मोक जार में आने देंगे। इससे ये अचार बहुत ही अच्छा रखा रहेगा, 2-3 साल भी ये ख़राब नहीं होगा। ये इसमें अच्छे से धुआं आ गया है इसका, हींग का। अब इसमें हम ये अचार भर देंगे। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए हमने अचार को जार में फिल कर लिया है। अब इसे हम बंद कर 2 दिन के लिए रख देंगे। 2 दिन के बाद बाकी का ऑयल हम इसमें डालेंगे। और अब टाइम है ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स का। सबसे पहले तो आपको केरी अच्छी क्वालिटी की लेना चाहिए, पीली केरी या नरम केरी जिसमें इस तरीके से जाला पड़ा रहता है, इस तरीके की केरी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अचार बनाने के लिए। केरी को आप अच्छे से धोकर सुखा लीजिए, उसके बाद आपको इसका अचार बनाना है। तेल को आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है, धुआंदार गर्म करना है। उसके बाद उसे थोड़ा ठंडा कर फिर उसे मसाले में उसे डालना है, जिस तरीके से आपको मैंने दिखाया है उस तरीके से, उस सीक्वेंस में आप मसाले उसमें मिक्स करते जाइए। और उसके बाद उसमें केरी अच्छे से मिक्स करिए। जिस जार में आपको अचार को भरना है उसमें आप हींग का धुआं दीजिए, कोयला जलाकर उसके ऊपर हींग थोड़ी डालकर जार को उसके ऊपर उल्टा कर रख दीजिए। फिर उसमें आप अचार भरिए तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और 2 दिन के बाद फिर आपको ऑयल इसमें और डालना है, जो हमने गर्म कर ठंडा कर रखा है उसे एक तरफ हम रख देंगे किसी जार में भरकर। बाद में इसे हम 2 दिन बाद इसमें डालेंगे और इतना डालेंगे कि पूरा अचार तेल के अंदर डूबा रहे, तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और जब आप अचार यूज़ करते जाते हैं तो तेल कई बार ख़त्म हो जाता है, तो जब भी आपके अचार में तेल ख़त्म हो जाता है तो फिर से आप तेल गर्म कर ठंडा कर उसके ऊपर डाल दें ताकि अचार तेल के अंदर ही डूबा रहे। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा, और दूसरा अचार का कलर भी नहीं बिगड़ता है, अचार काला नहीं पड़ता है, ऐसा कैसा लाल रंग का अचार आपका हमेशा बना रहेगा। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और सालों साल चलेगा। ये 2 दिन हो गए हैं अचार को डाले हुए, अब हम देख लेते हैं। देखिए अचार नीचे हो गया है थोड़ा, हमने ऊपर तक भरकर इसमें भरा था और थोड़ा तेल भी ऊपर आ गया है। बीच में मैंने एक बार इसे हिला लिया था अच्छे से। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना यम्मी अचार लग रहा है। अब इसमें हम बाकी का तेल डालेंगे, जो हमने गरम कर ठंडा करा था उसे मैंने बॉटल में भरकर रख लिया था। अब इस तेल को हम इसमें ऐड करेंगे। आपको तेल अच्छे से डालना है, पूरा अचार तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, तभी अचार आपका अच्छे से सालों साल चलेगा। तेल डालकर एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए ताकि नीचे तक तेल पहुंच जाए। अब इसमें हम और तेल डालेंगे। फिर से हम मिक्स करेंगे। यस, अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, चटपटा खट्टा अचार, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। आप अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ा तेल हम इसमें और डालेंगे। ये अब इसमें अचार अच्छे से हमने डाल दिया है, अचार के ऊपर तेल आ रहा है, नीचे तक भी तेल पहुंच गया है।
अब इसे हम बंद कर रख लेंगे और ताज़ा ताज़ा अचार एकदम रेडी है। थोड़ा तेल ये बचा है, इसे हम रख लेंगे। जब तेल इसमें कम लगने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे। अभी अचार मैं आपको एक बाउल में निकाल कर दिखा रही हूँ कि किस तरीके का अचार बना है हमारा। ये देखिए, एकदम मसालेदार, बहुत ही यमी अचार बना है। आम के पीसेस, कच्चे आम के पीसेस पूरी तरह मसाले से कवर हैं। हमने तेल 2 दिन बाद डाला इसमें। अगर हम पहले ही तेल डालते तो मसाला नीचे बैठ जाता और आम के पीसेस पर कवर नहीं होता, कोट नहीं होता, इसलिए हमने 2 दिन बाद इसमें तेल डाला। ये देखिए कितना यम्मी अचार लग रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करिए। देखिए कितना यम्मी अचार लग रहा है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, उससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।